बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इसमें जो है वो फिजियोलॉजी पोर्शन चल रहा है, तो फिजियोलॉजी में आज जो है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन सेरम। लेकिन इसके पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे फायदा होता है कि आपको हर एक वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहता है, और शेयर करने से फायदा होता है कि वीडियो आपके मित्र यार तक पहुँचता रहता है। तो बच्चों, जैसा कि विटामिन होता है, विटामिन चाहे आप नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी आपको जो है क्वेश्चन विटामिन से मिलता रहेगा। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा और इसको शेयर करना तथा इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बच्चों, विटामिन जो होता है इसको दो भागों में इसको कहते हैं वाइटे प्लस एमाइंस कहलाता जो है वो। तो माने क्या मतलब कि ये एसेंशियल, वाइटे माने एसेंशियल होता है, माने कि एसेंशियल सब्सटेंस होता है, और यह एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे लिए क्या होती है, ये आवश्यक होती है, माने कि मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में आवश्यक होती है। हालांकि एनर्जी के लिए नहीं, बल्कि हमारे जो है शरीर में ये रोगों से बचाने का एक काम करती है वो। इसलिए इसे हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। और इसकी कमी से माने डिफिशियंसी डिजीजेस माने क्या मतलब कि इसकी कमी से जो होता है होने वाले रोग को हम डिफिशियंसी डिजीजेस कहते जो है वो। अब आती बच्चों की इसके जो होता है 18वीं शताब्दी में, माने कि ये देखा गया कि कॉड लीवर ऑयल माने क्या मतलब कॉड फिश से जो है वो रिकेट्स के बचाव के लिए जो है वो माने कि ताजा फल का उपयोग किया गया। तो वास्तव में इसमें क्या होता है कि एक साइंटिस्ट थे यन आई ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिनों की खोज किया जो है वो, और इसकी बातों का समर्थन इजिकमान तो इजिकमान ने जो है यन आई ल्यूनिन की बातों का उन्होंने समर्थन किया हुआ है। और इसके बाद आए हैं होपकिंस एंड फुंक। तो ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के विटामिन थ्योरी या विटामिन सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया। और फुंक नामक वैज्ञानिक ने चावल के छीलन से सबसे पहले जो है वो विटामिन बी को तैयार किया और बताया कि बेरी बेरी का संबंध जो है विटामिन बी रोग से है। तो बच्चों, ये तो रहा थ्योरी होता है वो कि विटामिन बी मतलब विटामिन्स की ये सिद्धांत है वो। अब आती है कि ये जो विटामिन्स होते हैं जल में, माने कि घुलनशील, अभी तक जो है वो लगभग 20 प्रकार के माने कि 20 प्रकार के विटामिनों का जो है लगभग इसमें क्या होता है बच्चों, लगभग 20 प्रकार के विटामिन्स का जो पता चला हुआ है, और इसमें से दो प्रकार के विटामिन्स, एक होता है नियासीन होता है और सेकंड होता है विटामिन डी होता है। इसका निर्माण जो है हमारी बॉडी में होता है वो, और बाकी जो शेष विटामिन होते हैं उसको हम प्लांट से तैयार करते हैं वो, माने हमको प्लांट से मिलता है वो। मीन सिर्फ दो विटामिन, एक तो नियासीन और सेकंड विटामिन डी होता है जिसे कि हमारी बॉडी स्वयं बनाती है, और शेष जो होता है हम प्लांट से इंसर्ट करते हैं और प्लांट से ही हम प्राप्त करते हैं।
अब आती है सॉल्युबिलिटी के आधार पर, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के आधार पर जो है विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है। नंबर वन होता है वाटर सॉल्युबल, वाटर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, और इसकी हिंदी होती है जल में घुलनशील विटामिन्स, और नंबर सेकंड होता है फैट, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और इसकी हिंदी होती है वसा में घुलनशील विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है, तो फर्स्ट आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, फर्स्ट आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, नंबर वन है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में ऐसे विटामिन्स आते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं वो, और इसलिए यूरिन द्वारा इनका ज्यादा उत्सर्जन होता है, इसलिए हमें डेली जो है इनकी अधिक मात्रा में, मतलब कि इन्हें डेली हमको अधिक मात्रा में जो है लेना चाहिए। और इसके अंतर्गत दो विटामिन आते हैं, वो एक होता है विटामिन विटामिन बी होता है, और सेकंड विटामिन सी होता है वो, और सेकंड होता है, नंबर सेकंड है फैट, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है, और इसके अंतर्गत जो है वो विटामिन ए डी ई और के, माने विटामिन्स ए डी ई और के जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंतर्गत आते हैं वो। अब आती बच्चों की, अब वन बाय वन आपको ले चलते हैं कि सब, चूंकि इसमें जो होता है क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको स्टडी कराते हैं कि विटामिन बी और सी और विटामिन ए डी और ई के। तो वास्तव में क्या होता है कि जो विटामिन बी होता है, अब आती है फर्स्ट होता है विटामिन बी, विटामिन बी, तो जो हम विटामिन बी के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट आता है विटामिन बी। असल में क्या होता है कि विटामिन बी जो होता है ये कई टाइप होते हैं वो, और उसको सामूहिक रूप में हम कहते हैं विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो। अब आती है कि ये जो होता है, इसमें जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, इस समूह में निम्नलिखित आते हैं वो, नंबर वन होता है विटामिन, विटामिन बी वन, और इसका केमिकल नेम होता है, इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है थायमाइन होता है वो, थायमाइन। तो थायमाइन जो होता है इसका केमिकल नेम होता है वो। अब आती है इसका सोर्स, सोर्स माने कि विटामिन बी वन को हम किससे प्राप्त करते हैं वो, तो इसका सोर्स जो होता है टॉप पर है ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल माने हरी सब्जियां होती हैं, अगला होता है मीट होता है, अगला होता है मिल्क होता है, ठीक है, अगला होता है ईस्ट होता है, ईस्ट होता है, अगला है लीवर, ठीक है लीवर। अब आती है कि सबसे पहले इस विटामिन को विशुद्ध रूप में जो है वो एक साइंटिस्ट थे विलियम्स, विलियम्स नामक वैज्ञानिक ने इसको शुद्ध रूप में इसके माने कि इसके आणविक संरचना को ज्ञात किया। और ये जो विटामिन होता है विटामिन बी वन, ये तो इसका सोर्स हो गया। अब आती है कि इसकी कमी से क्या रोग होता है वो, माने इससे डिजीज क्या होता है वो, तो इससे बड़ा खतरनाक डिजीज होता है, और इस डिजीज को बच्चों हम बेरी बेरी कहते हैं वो।
तो बेरी बेरी रोग बड़ा खतरनाक, बड़ा बहुत ही हार्मफुल डिजीज होता है वो। तो बेरी बेरी रोग में क्या होता है वो? तो बेरी बेरी रोग में क्या होता है, इसमें क्या होता है? नंबर वन हार्ट प्रॉब्लम, माने हार्ट प्रॉब्लम में क्या होता है, दिल की धड़कन जो होती है वो बढ़ जाती है वो। कभी कभार पैरालिसिस, पैरालिसिस माने क्या होता है, लगवा की आशंका बन जाती है वो। और इसमें क्या होता है, जो मस्कुलर प्रॉब्लम माने मांसपेशियां नहीं काम करती हैं बढ़िया सा, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है डिस्टर्ब हो जाता जो है वो। और इन सब को क्या बोलते हैं कि सामूहिक रूप से क्या कहलाता है वो, इसको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, इसको हम बेरी बेरी रोग कहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, डेंजरस होता है वो। अब निक्स आता है विटामिन बी टू, या इसको जी कहते हैं, निक्स आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन बी टू निक्स होता है विटामिन बी टू, और इसको विटामिन जी भी कहते हैं। अब आता है इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन होता है वो। राइबोफ्लेविन जो है इसका केमिकल नेम होता है, ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में। अब आती है कि इसका सोर्स, माने कि इस ये कहां से मिलता है, तो वही हो जाएगा इसका ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, और इसके अलावा इसमें इसका मीट माने कि जंतुओं का मीट, इसके अलावा एग, लीवर, ठीक है, और मिल्क, ये सब जो है इसके सोर्स हो जाते हैं। अब आती है इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जो होता है पाचन माने कीलोसिस, कीलोसिस माने क्या होता है कि ओंट जो होता है इसमें फटना शुरू हो जाते हैं, और कभी कभार ओंट से खून निकलना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा पाचन शक्ति कमजोर, दिमागी शक्ति कमजोर, अब आंखों में जलन, त्वचा में जलन, ये सब प्रॉब्लम जो है इस डिजीज में हो जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं, विटामिन बी टू की कमी से होने वाला रोग हो जाता है। अब होता है कि इसके अलावा फिर आता है अगला ग्रुप होता है, नेक्स्ट आता है विटामिन बी थ्री, नेक्स्ट आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, और उसको कहते हैं निकोटिनिक एसिड, नंबर थर्ड आता है निकोटिनिक एसिड, और इसको नियासिन कहते हैं वो, निकोटिनिक एसिड और नियासिन, और इसको हम कहते हैं विटामिन पीपी भी कहते हैं, विटामिन ए पीपी भी कहलाता है वो, विटामिन पीपी भी कहलाता है। अच्छा, अब आती है कि यह ऑक्सीडेटिव माने ऑक्सीकर उपापचय में एनएडी निकोटिनामाइड एडिनिन निकोटिनामाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट एनएडी तथा एंड एनएडीपी का को एंजाइम का सक्रिय घटक होता है। अब आती है कि इसका सोर्स, इसका जो सोर्स होता है माने सोर्स, तो मीट, मीट हो गया, इसके अलावा लीवर, फिश हो गया जो है वो, ईस्ट, एग, ये सब इसके जो होते हैं सोर्स होते हैं। और इसकी कमी से माने कि इससे डिफिशियंसी से क्या होता है वो, इसकी डिफिशियंसी से पिलेग्रा, पिलेग्रा डिजीज। तो पिलेग्रा में क्या होता है, चर्मदाह माने क्या मतलब, जो उंगलियां होती हैं उंगलियों पर माने त्वचा पर जो होता है पिलेग्रा माने क्या मतलब, पपड़ीदार और क्या फुटके टाइप दिखाई पड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिलेग्रा कहते हैं। और इसमें क्या होता है, डर्मेटाइटिस डिजीज। और अगला क्या होता है, डायरिया, डायरिया में क्या होता है,
कि पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और उल्टी दस्त होता है तो पिलग्रा, डर्माटाइटिस और डायरिया डिजीज जो होता है इससे जो इससे होता है माने कि विटामिन की कमी से होता है वो। नेक्स्ट होता है विटामिन बी सिक्स या पेरिडॉक्सिन। तो बच्चों जो है इतना ही आज के लिए काफी है। तो अगले इसमें शेष अब अगले लेक्चर में होगा, तो इसको लाइक करिएगा जो है वो, और इसमें जो शेष भाग है इसके बाद वाले वीडियो में होगा उसको भी देखना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है जो है वो। और बच्चों धन्यवाद।